डियर फ्रेंड्स, 2-3 दिन से हम लोगों के यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन अब बारिश रुक गई है और धूप बहुत चमकीली निकली थी। आज देख सकते हैं आप, अभी शाम हो रही है और इसलिए धूप ऊपर चली गई है मेरे गार्डन में से। तो आज मुझे आपको कुछ न्यू अपडेट्स दिखानी थी। मेरे गार्डन में कुछ नए प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नहीं, आपका भी गार्डन है और आप लोगों से मुझे बहुत करेज मिलता है। आप लोग जब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं तो इसलिए ये आपका भी गार्डन है। तो वेलकम बैक टू योर चैनल, योर गार्डन, योर चैनल इज़ खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, ये छोटी वैरायटी का यूफोरबिया है और इसकी देखिए मैंने कटिंग कर ली थी, प्रूनिंग वगैरह कर दी थी, उसकी वजह से देखिए इसके अंदर अब ये डोरमेंसी पीरियड से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। तो इसके अंदर देखिए कितनी प्यारी न्यू लीव्स आ रही हैं, ग्रीन कलर की, कितना खूबसूरत लगता है ये फ्लावर, ये देखिए। और इसी तरह से अब ये देखिए इधर भी आ रहा है फ्लावर, ये देखिए अब ये रेड कलर में नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये इसी तरह से ये वाला थोड़ी बड़ी वैरायटी का है, देखिए इसके ऊपर भी ये फ्लावरिंग हो रही है। और इस सब में भी मैं, ये देखिए लीव्स भी आ रही हैं न्यू, इस सब में भी मैं फ्रेंड्स किचन वेस्ट के फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में भी। आपको कैसा लग रहा है मेरा ये प्लांट और ये फ्लावर्स? तो फ्रेंड्स, आप भी लगाइएगा अपने गार्डन में। एक और है मेरे पास, इसका बड़ा पॉट है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको उसके अंदर, लेकिन अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ग्रीन हो रहा है, इसकी लीव्स कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि ये बड़ी वैरायटी का है, यूफोरबिया नाम है इसका, आप जानते ही होंगे। देखिए कितने ज़्यादा इसके अंदर कांटे होते हैं, लेकिन इसका फ्लावर जब खिलता है और इसकी लीव्स भी इतनी खूबसूरत लगती हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बार दिखाया था आपको कि करी लीव्स के बड़े पॉट के पास जो एक और पॉट रख दो तो उसके अंदर उसके सीड्स गिरते हैं तो वो खुद से ही न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो इसकी हमने रिपोर्टिंग कर ली है। ये वाले पॉट्स अभी थोड़ा छोटे ही हैं इसके हिसाब से, लेकिन मेरे पास पॉट्स और नहीं थे तो इसी में लगा लिया है। ये देखिए, ये दो और ये तीन, तो इसकी हमने रिपोर्टिंग परसों कर ली थी और अब इसको जो है फुल सनलाइट में रख दिया है, क्योंकि सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी, आपके पास भी अगर इस तरह से बेबी प्लांट हो करी लीव्स का, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर लिया करें। हवा बहुत तेज़ चल रही है फ्रेंड्स। और एक बात और बतानी थी मुझे फ्रेंड्स, कि मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा है, तो अगर 1-2 दिन मैं वीडियो नहीं डालूं तो आप वेट कीजिएगा, फिर मैं वीडियो डालने लगूंगी, कंटिन्यू कर दूंगी। अभी शायद कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकूंगी मैं, तो आप वेट कीजिएगा। देखिए ये कितना प्यारा है ये भी प्लांट, और ये देखिए अभी तक तो सारे प्लांट्स हेल्दी ही लग रहे हैं। और मेरे पास 3 बड़े प्लांट्स हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया है, वो बहुत बड़े बड़े पॉट्स में हैं। देखिए एक तो ये है सामने, ये इस वाले पॉट में है ना फ्रेंड्स। और दिखाती हूँ मैं, सामने कबूतर भी जो है खूब खेल रहे हैं, बर्ड्स भी उड़ रही हैं, ये देखिए
और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला करी लीव्स का वही प्लांट है वो जिसके पास ये इस वाले पॉट में ये हुआ था। ये इसके अंदर बहुत सारी वीड्स निकल आई हैं, चिक वीड्स, और इसको हटा के फिर हमने सेफली अपने उस प्लांट को निकाल लिया था। तीसरा पॉट हमारा करी लीव्स का ये वाला है, देखिए फ्रेंड्स ये। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स सीड्स आने लगे हैं, ये फ्लावर बन जाएंगे बाद में। ये देखिए ये, आजकल तो खूब हवा चल रही है, बारिश हो रही है, आज धूप तेज निकली थी। ये देखिए यहाँ से देखिए इसका फ्लावर निकलने वाला है। तो आप भी फ्रेंड्स अपने प्लांट्स की गुड़ाई वगैरह करते रहा कीजिए, उनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, और भी प्लांट्स हैं मेरे पास न्यू बेबी प्लांट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सब पत्ते वत्ते झड़ के गिरे हुए हैं, तो इनको हमें टाइम टाइम से सफाई कर लेनी चाहिए अपने पॉट्स की, चाहे वो फ्लावरिंग पॉट हो चाहे वो फ्रूटिंग पॉट्स हो। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इनकी सफाई करते रहना चाहिए। और ये देखिए इसकी सब जड़ें ऊपर तक आ रही हैं, बट मैं इसकी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सिर्फ इसकी गुड़ाई है, सफाई है, और फर्टिलाइज़र भी इतना नहीं दे पाती हूँ, फिर भी देखिए कितने अच्छे चलते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम इनको केयर करें, केयर दें, तो जो है पानी वगैरह ठीक से डालें, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे, बहुत हार्ड हो गई है इसकी मिट्टी, और हम ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा ये पॉट बहुत छोटा है, हल्की हल्की सी, लेकिन गुड़ाई कर लेते हैं हम, तो उससे जो है हमारी जो फर्टिलाइज़र होती है वो जड़ों तक पहुंच जाती है और जड़ों में हवा भी लगती रहती है। तो इस तरह से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लिया करें किसी नुकीली चीज़ से, तेज़ चीज़ से। अभी मैं और गुड़ाई करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने इसकी गुड़ाई कर ली है, तो अब गुड़ाई कर ली है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये देखिए मेरे किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का ये पॉट है, और जब भी मैं किसी पॉट की गुड़ाई करती हूँ, किसी भी गमले की, तो फिर मैं उसमें ये डाल देती हूँ हल्का सा, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी करके अपने गार्डन को खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स और खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स दे सकते हैं, आप भी कर सकते हैं गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आप लोग तो हमेशा ही मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका भी गार्डन है और आपका भी चैनल है, आपके सपोर्ट से चैनल चल रहा है, और आप ही लोगों की वजह से फिर मैं गार्डन को भी खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।